channel The Weirdo. This is our fourth video tutorial on antibiotics. हम लोग useful microbes के बारे में study कर रहे right? तो अभी useful microbes में कुछ harmful microbes भी हो गए obviously. तो ये harmful microbes को मारने के लिए भी यहाँ पे कौन responsible होता है? Useful microbes. तो useful microbes किस तरह से harmful microbes को मारते? सीधा हम बोलते ना लोहे लोहे को मारता है. उसी तरह से कुछ कार्बन कंपाउंड्स जो ऑप्टेन करते सम बैक्टीरिया और कुछ फंगाई से, इनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके ग्रोथ को भी कर्ब कर सके राइट. उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स. द कार्बन कंपाउंड्स ऑप्टेंड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज एंटीबायोटिक्स राइट. जो एंटीबायोटिक्स है ये कौन से सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था? 20th सेंचुरी. और ये इसने रिवॉल्यूशन लेके आ गया मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि इतने बड़ा जो डिजीज, उस टाइम पे जो ट्यूबरक्लोसिस था, टीबी, आज भी टीबी हम सुनते हैं तो लोगों को डर लगता है. तो सोचिए उस टाइम पे कितना, मतलब 20th सेंचुरी के टाइम पे हम जब बात करते तो कितना ये खतरनाक बीमारी रहेगा. तो उसको भी इरेडिकेट कंप्लीटली करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? एंटीबायोटिक्स. सो एंटीबायोटिक्स मेनली किसके अगेंस्ट काम करते हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं. वो प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं राइट. अभी जो एंटीबायोटिक्स होता है ना, उनका जो उसका यूजफुलनेस और एप्लीकेशन वाइड रेंज का होता है राइट. जैसे कि अभी हम बात करेंगे दो चीजों की, एक होते ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होते नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. सो बेसिकली ये दोनों है क्या? हम जैसे डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर को हम कोई भी सिम्टम्स अपना बताते तो कुछ कॉमन टैबलेट्स डॉक्टर ऐसे ही देता है हमको राइट. ऐसे ही देता है मतलब क्या, ये ऐसी दवाई होती है जो बहुत सारे डिजीज पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. उसके बाद उनका रेस्पॉन्स देख के डॉक्टर क्या करता है, हमको सिम्टम्स पूछता है और फिर नैरो डाउन करके हमारी जो स्पेसिफिक डिजीज है उसको स्पेसिफिक दवाई देता है. सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे एग्जाम्पल एम्पीसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन. ये ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये बहुत सारे डिजीज पे एक साथ काम कर सकते राइट. और ये हम कब यूज करेंगे? ऑब्वियसली जब हमको पैथोजन के बारे में नहीं पता है राइट. तो हमको इवन दो द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर विजिबल, नॉर्मली हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को ही यूज करते बिकॉज हम कोई भी स्पेसिफिक दवाई देके हम उसमें चांसेस बहुत कम है कि वो एक्चुअल एक्ट करेगा बिकॉज यू डोंट नो, यू डोंट हैव अ कंफर्मेशन कि नहीं उस पर्टिकुलर बंदे को वही डिजीज हुआ है. सो इट्स बेस्ट डायग्नोस करते करते उसको सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाए. और जब पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता चल गया कि इसके अंदर ये बैक्टीरिया है जिसके वजह से इसको बीमारी हो रही है राइट, ये पर्टिकुलर बीमारी हो रही है, तो उसको हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज करेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. नाम से मालूम पड़ रहा है नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या, वो सिर्फ कुछ चीजों पे काम करेगा. कुछ चीजों मतलब क्या, हाईली स्पेसिफिक राइट. ये पर्टिकुलर डिजीज है तो ये एंटीबायोटिक यूज करो, सिर्फ यही करो. व्हाई? बिकॉज ये इसको ठीक कर सकता है. एग्जाम्पल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन. तो अभी इंस्टीट्यूट, जैसे मैं बोल रहा था यहाँ पे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर आता है? माइक्रोबायोलॉजी. तो इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी, ये कब एस्टैब्लिश हुआ? 1952 में पुणे में. इसका मेन काम क्या है? वायरोलॉजी मतलब किसके बारे में स्टडी करना, वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज, उनके बारे में स्टडी करना. और ये जैसे कि मीजल्स, जॉन्डिस, फीवर, डिजीज ऑफ लंग्स राइट, इनके बारे में स्टडी करता है, रिसर्च करता है और देखा जाता है. रिसर्च करके हमको पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया कैसे हमको बीमार कर रहा है. अब वो जिस पैटर्न में बीमार कर रहा है, अगर मुझे वो पता चल गया तो उस पैटर्न को डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से मुझे अपना बैक्टीरिया यूज कर सकता हूं मैं एंटीबायोटिक के लिए. याद रखना एंटीबायोटिक में कुछ अलग केमिकल सब्सटेंस यूज नहीं होता है, ये वही सब्सटेंसेस यूज होते हैं या फिर ये वही चीजें यूज होती है जो ऑलरेडी माइक्रोब्स में होती है राइट. वो माइक्रोब्स को ही हम यूज करते हैं माइक्रोब्स के खिलाफ. तो पेनिसिलिन के बारे में स्टडी करते हैं. पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम. सो बेसिकली पेनिसिलिन है क्या? जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी बताया था कि पेनिसिलिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है राइट, जो कौन से फंगस से डिराइव्ड होता है? पेनिसिलियम. और ये किसमें यूज होता है? ये सारे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने यूज होता है, जैसे कि ऐसे बैक्टीरिया लाइक स्टेफेलोकोकाई, क्लॉस्ट्रिडिया,
स्ट्रेप्टोकोकी, राइट, ये सब जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये इन्फेक्शन से बचा कैसे जा सकता है? बाय यूजिंग द पेनिसिलिन. मेडिसिन कंटेनिंग पेनिसिलिन आर यूजफुल टू ट्रीट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट एंड स्किन. जैसे कि बताया मैंने कि जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा हमको पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम की दवाई देते हैं, बिकॉज उससे जान के कि एक्चुअली आपको जो डायग्नोस करते हैं और पता चलता है कि आपको एक्चुअल बीमारी क्या है, देन दे स्टार्ट गिविंग यू द नैरो स्पेक्ट्रम मेडिसिन. तो इन केस ऑफ पेनिसिलिन वो कौन से चीजों को ट्रीट कर सकता है? सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ईयर, नोज, थ्रोट एक्सेट्रा. इसके साथ ही साथ जो बड़ी डिजीज है लाइक निमोनिया एंड स्कारलेट फीवर. निमोनिया हमको पता है, राइट, जहां पे क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, जहां पे फ्लूइड भर जाता है लंग्स में. और स्कारलेट फीवर इज अ फीवर इन विच यू हैव अ हाई फीवर, एट द सेम टाइम आपको सोर थ्रोट रहता है और आपके बॉडी में पूरे रैशेस होते हैं. ओके, सो अभी हमने पेनिसिलिन के बारे में इतना स्टडी किया, तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पेनिसिलिन को डिस्कवर कैसे किया गया. तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, राइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हम बात करते हैं. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट सेंट मैरी हॉस्पिटल, जिन्होंने बहुत सारे कल्चर्ड वराइटीज ऑफ बैक्टीरिया और फंगाई को उन्होंने कल्चर किया था पेट्री डिश में. पेट्री डिश एक डिश होता है जहां पे आप माइक्रोबियल्स को कल्चर करते. तो 3 सितंबर 1928 में उनके साथ एक बहुत ही एक अमेजिंग इंसिडेंट हुआ. क्या कि जब वो स्टेफाइलोकोकाई का कल्चर देख रहे थे और उन्हें एक अजीब सा और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा. क्या देखा पेट्री डिश में? उन्होंने देखा कि पेट्री डिश में जो फंगल कॉलोनीज ग्रो थे ना, वो ग्रो तो हो गए थे अच्छे से, क्योंकि माइक्रोबियल कल्चर में जब आप पेट्री डिश में आप करते क्या हो, पेट्री डिश में आप डिश लेते हो, उसके अंदर आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हो, न्यूट्रिएंट्स लाइक अगार. इनका मेन काम क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हेल्प करते. फिर आप उसको एक अपने टेम्परेचर में अच्छे से इंक्यूबेट होकर आराम से वो लोग ग्रो होते. तो उन्होंने पेट्री डिश में ऑब्जर्व क्या किया कि जो फंगल कॉलोनी से ग्रो तो हो गए थे, बट वो फंगल कॉलोनी के जो एक्चुअली उसके जो पेरिफेरी, उसके बाउंड्री में से बाहर जितने भी बैक्टीरिया का कल्चर होना चाहिए था, वहां पे कल्चर नहीं था. सो व्हाट बेसिकली ऑब्जर्व वॉज कि इन दैट पेट्री डिश जो फंगल कॉलोनी ग्रो हुए थे, बट द एरिया अराउंड दिस कॉलोनी वेयर क्लीन एंड क्लियर. तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि जो पेनिसिलिन था उसने बाकी बैक्टीरिया को क्या कर दिया, मार दिया. देन ही कन्फर्म्ड दैट द फंगस ग्रोइंग देयर वॉज पेनिसिलियम, और उसके सिक्रीशन की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल कॉलोनीज क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट. तो इस तरह से फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर एक्सीडेंटली हुआ. सो ऑब्वियसली वी शुड बी थैंकफुल टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फॉर डिस्कवरिंग द लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स. यहाँ पे आप उनका पिक्चर देख सकते हो, ठीक है. अब हमको ये समझना है कि कुछ जो कॉशन हमको ध्यान रखना है. क्या कॉशन ध्यान रखना है? कि एंटीबायोटिक्स को तभी लेना है जब वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो. कभी भी कोई एंटीबायोटिक को मेडिकल स्टोर में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है. आपके ऊपर एंटीबायोटिक्स ने काम किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली दूसरे को भी आप बोलो नहीं नहीं भाई ये तो एंटीबायोटिक यूज करो. नो, बिकॉज आइडियली ह्यूमन बॉडी का मेटाबॉलिज्म हर एक का डिफरेंट होता है. तो जो मेडिसिन मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ऑब्वियसली दूसरे के केस में वो साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकती है, जो कि होता भी है, राइट. और ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आज आपने एंटीबायोटिक ले लिया तो नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे डॉक्टर ने बुलाया रहेगा कि नहीं यू हैव टू कम फॉर रीचेकअप. आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो बेहतर फील हो रहा है, आई विल नॉट कंटिन्यू. हमको याद रखना है एंटीबायोटिक सप्रेस करता है चीजों को, एट द सेम टाइम उसका एक पूरा सा एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स रहता है, जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है. एंड दैट्स द रीजन कि हमको हमेशा कोर्स फॉलो करना चाहिए. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेनिसिलिन, राइट, एंड द एंटीबायोटिक्स. Hope you like the video. If you like the video, please do hit the like button, share button, and subscribe to our channel. Be weird, be weirdos.